हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देवोतवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाइयों, हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे देश के मौसम विभाग की बिल्कुल ताजा जानकारी। जी हां भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश से मानसून अब विदा ले सकता है। फिर भी आने वाले 3 से 4 दिनों में फिर से भारी हाई अलर्ट जारी कर दिया है राजस्थान के साथ साथ देश के बड़े 12 राज्यों में। जी हां भाइयों, आने वाले 24 से 48 घंटे में देश के बड़े 12 राज्यों में मूसलाधार बरसात हो सकती है, साथ ही बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो भाई, हम आपको बताएंगे पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात हुई, किन किन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसकी बिल्कुल ताजा जानकारी। तो वीडियो अंत तक पूरी देखना। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके पास। तो चलो भाइयों, स्टार्ट करते हैं। लौट रहा है मानसून। जी हाँ भाइयों, मानसून फिर से देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में झमाझम बरसात कर सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर तक देश भर के इन राज्यों में सामान्य और असामान्य से अधिक बरसात हो सकती है। जी हाँ भाई, जिन भी जिलों का राज्यों के नाम हम लेंगे, उनमें आने वाले 24-48 घंटे में मूसलाधार बरसात होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 3 अक्टूबर तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों के आसपास भारी बरसात हो सकती है। वहीं पंजाब, मध्य प्रदेश और आंतरिक महाराष्ट्र, वहीं उत्तर ओडिशा, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल और लक्षद्वीप में सामान्य बरसात होने की संभावना है। तो भाई, आपको बताना चाहते हैं आने वाले 24-48 घंटे में बिहार राज्य में पटना जिले में आने वाले 24 घंटे में मूसलाधार बरसात रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी मूसलाधार बरसात हो सकती है। वहीं जो भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पास रतलाम, इंदौर, नीमच, इनमें आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में पूरे में अगले 24-48 घंटे में, जिनमें 8 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, झालावाड़, बूंदी और अलवर, इन 8 से 10 जिलों में मूसलाधार बरसात अगले 24 घंटों में रिकॉर्ड की जा सकती है। तो भाइयों, मौसम विभाग के अनुसार जिन भी राज्यों और जिलों का हमने नाम लिया है, वहां पर मूसलाधार बरसात देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज बरसात दर्ज की गई है। वहीं बिहार में बाढ़ के अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही राजस्थान के अलवर, जयपुर, कोटा, झालावाड़ और धौलपुर, इन 5 जिलों में पिछले 24 घंटे में बरसात रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून पूरे देश से विदा लेने वाला है। फिर भी अभी तक राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है। वहीं गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कम दबाव के क्षेत्र कारण वर्षा हो रही है और यह 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यानी कि भाइयों, 5 अक्टूबर तक अभी मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और इन सारे जिलों से मानसून नहीं जाएगा, जबरदस्त बरसात होने की पूरी पूरी आशंका है। तो भाई, जिन भी राज्यों को हमने नाम लिया है, अगले 24-48 घंटे में इन सभी राज्यों में मूसलाधार बरसात आपको देखने को मिलेगी। तो भाइयों, अगर आप भी अपने जिले या राज्य के मौसम की ताजा जानकारी हमसे पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने नाम के साथ अपने जिले या राज्य का नाम तुरंत कमेंट करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसमें आपके जिले या राज्य के मौसम की ताजा जानकारी आपको दे देंगे कि वहां पर मौसम कैसा रहेगा। इसलिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सभी दोस्तों यारों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी मौसम की ताजा जानकारी जान सके। इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगर नई वीडियो के लिए जुड़ना चाहते हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा लेना। सब्सक्राइब दबाते घंटे का निशान आएगा उसको जरूर दबा लेना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाइयों, जय हिंद, जय भारत।